लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी बौखला गए हैं। इस समय की बड़ी खबर, लखीमपुर कांड में बेटे पर इरादतन हत्या का सवाल पूछे जाने पर भड़के मंत्री जी और पत्रकारों को दी जमकर गालियां। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी को दिल्ली तलब किया है। एसआईटी रिपोर्ट को लेकर हो सकता है जवाब तलब। तो लखीमपुर कांड पर जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो मंत्री जी भड़क गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, जो मंत्री जी हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है, पूछताछ हो सकती है जिस तरीके से एसआईटी रिपोर्ट में उनके बेटे का नाम सामने आया है? जी देखिए, अभी अजय मिश्रा टेनी को बुलाया नहीं गया, लेकिन बुलाया जाएगा इतना हमें पार्टी के टॉप सोर्सेस ने बताया है। और इस बदली हुई परिस्थितियों में जो पहले अजय मिश्रा ने पार्टी को बताया था, उसके बाद जो अभी जो जांच में एसआईटी की जांच में चीजें सामने आई हैं, उस पर उनसे जवाब तलब किया जाएगा। हालांकि पार्टी की स्टेटेड पोजीशन ये है कि बेटे की किसी भी कार्य की सजा पिता को नहीं दी जा सकती, और ऐसा कई बार पार्टी ने कई मौकों पर साफ भी किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनावी परिस्थिति में पार्टी क्या निर्णय लेती है बदली हुई परिस्थिति में, इस पर नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल विकास भदौरिया, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। और हम बता दें कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा किसानों को कुचलने के आरोप में जेल में बंद हैं, और कल एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें नाम आया। और हम आपको बता दें कि मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया इसी बाबत, वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, हमारे रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल पूछा तो आप सुनिए कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया। अरे फोन बंद कर दे, पूछो क्या सीट लगाई है? नहीं नहीं, आईटी में लगाई है। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है? चौकी पर चले जाइए शाम में। अरे फोन बंद कर दे, दिमाग खराब है। पूछो क्या सीट लगे? नहीं नहीं, आईटी में लगाई है ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है? तो मंत्री जी को आपने सुन भी लिया, देख भी लिया, गाली भी दे रहे हैं, धक्का भी दे रहे हैं, और मीडिया के रिपोर्टर से कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती है। किसको शर्म आनी चाहिए ये आप तय कीजिए। और अब मैं सीधे रुख करूंगी मेरे सहयोगी रणबीर का, जो लखनऊ में मौजूद है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी अब से कुछ देर बाद लखनऊ पहुंचने वाले हैं एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, वो उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं। रणबीर, कितनी देर में यहाँ अजय मिश्रा टेनी पहुंच जाएंगे, और जिस तरीके की अभद्रता उन्होंने इस रिपोर्टर के साथ दिखाई आज, मुझे लगता है सवाल जरूर उनसे पूछा जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाएगा और सवाल पूछा जाना भी चाहिए। कितनी देर में आएंगे फिलहाल ये साफ नहीं है कि मंत्री जी कितनी देर में पहुंचेंगे, लेकिन हम भी इंतजार कर रहे हैं। और आज जो घटना हुई है, आप देखिए कि आम तौर पे किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर आरोप लगते हैं, मीडिया सवाल करता है, लोग बच के निकल जाते हैं, नो कमेंट्स कह देते हैं, या मामले की जाँच हो रही है, फिलहाल कुछ नहीं कहूँगा, इस तरह की टिप्पणी करते हैं। लेकिन ये अकड़ है और ये धौंस है कि मंत्री जी ने न सिर्फ अभद्रता की,
अपशब्द कहे, बल्कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो सब कुछ गवाही दे रही है कि किस तरह का उनका एक रवैया मीडिया के प्रति है। हमने सिर्फ अपना काम किया, हमारे रिपोर्टर ने SIT की रिपोर्ट को लेकर के सिर्फ उनसे पूरी मर्यादा के साथ सवाल किया था, लेकिन उसके बाद उनका आचरण इस तरह का था कि वो हर कोई जानता है, वो हर कोई देख रहा है। आज वो लखीमपुर से निकले हैं, एक ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के कार्यक्रम में अस्पताल में पहुंचे थे, वहीं पे ये घटना हुई है और उस घटना के बाद वो लखनऊ के लिए निकले थे। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ मंत्री जी पहुंचेंगे, कब हम उनसे सवाल करेंगे कि आखिर इस तरह का आचरण क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि से जनता का सवाल पूछते हैं और जनता जानना चाहती है कि अजय मिश्रा टेनी ने जो कहा था कि अगर उनके बेटे की भूमिका साफ होती है, अगर जाहिर होता है कि उनके बेटे की भूमिका थी, तो वो इस्तीफा दे देंगे, तो जनता जानना चाहती है कि वो इस्तीफा देंगे तो कब देंगे, और इसी सवाल के लिए लखीमपुर में भी हमने कोशिश की और लखनऊ में भी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल रणबीर, और ABP न्यूज भी इसी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि जब आपके बेटे का नाम SIT की रिपोर्ट में आया है और एक पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है, तो किसने आपको यह हक दिया कि आप धक्का दीजिए, गाली गलौज कीजिए और इस तरीके से अभद्रता कीजिए। मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा किसानों के कुचलने के आरोप में जेल में बंद है और कल SIT की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ कहा गया है कि किसानों का कुचला जाना महज एक घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। आज जब इसको लेकर हमारे रिपोर्टर ने मंत्री जी से सवाल पूछा तो मंत्री जी आपे से बाहर हो गए, कैमरे पर ही धमकाने लगे, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया उनके द्वारा और धक्का मुक्की भी की गई। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई है, पर क्या सवाल मत करा करो, बात खराब है क्या है? अरे फोन बंद कर दे। ये देश के मंत्री की भाषा है, सवाल मत करा करो, बात खराब है क्या है? ये देश के एक मंत्री की बोली है। अरे फोन बंद कर दे। देश के एक मंत्री कैसे सवाल पूछने पर खुलेआम धमकी देते हैं, उसकी तस्वीर है ये। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर लखीमपुर में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से SIT की रिपोर्ट पर सवाल हुआ तो मंत्री आपा खो बैठे। ABP न्यूज नेटवर्क के रिपोर्टर नवीन को मंत्री महोदय ने कैमरे पर ही धमकाना शुरू कर दिया। मंत्री महोदय से सवाल सिर्फ इतना था कि SIT की रिपोर्ट में साजिश की बात सामने आई है, मंत्री ने कैसा आपा खोया और धमकी पर उतर आए आज पूरा देश देख ले। शर्म नहीं आती है सही? मंत्री ने न सिर्फ दिमाग खराब है क्या भी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि रिपोर्टर के हाथ से मोबाइल भी ले लिया। अरे फोन बंद कर दे। तो मंत्री जी अहंकार से चूर है, अकड़ आपने उनकी देखी। मंत्री अजय मिश्रा टेनी का ये पूरा विवादास्पद जो वीडियो है वो 4 मिनट 21 सेकंड का है। हमारे सहयोगी इंद्रजीत राय ने इस वीडियो का बारीकी से विश्लेषण किया है जिसके मुताबिक मंत्री ने 9 बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, 4 बार मंत्री जी के मुंह से कैमरे पर गाली निकली है, धक्का देने की कोशिश करते हुए कहते हैं, आप सुन सकते हैं क्या कह रहे थे बे, ये किस तरह की भाषा है। मीडिया के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया मंत्री जी के द्वारा, चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया लोकतंत्र का, ऐसे में चोर शब्द का इस्तेमाल मीडिया के लिए किया गया। औसतन हर 29 सेकंड पर एक बार अपशब्द का इस्तेमाल मंत्री जी के द्वारा किया गया। जब इस पूरे वीडियो का विश्लेषण हमने किया तो ये आप देख सकते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आया। मीडिया से बदसलूकी के बाद मंत्री अजय मिश्रा विपक्ष के निशाने पर हैं। इनका एग्रेसिव नेचर और बदतमीजी करना और चोरी और सीनाजोरी करना और इसके इतना बड़ा हादसा खत्म हुआ 5 लोगों का, 9 लोग की मौत हुई उनकी गाड़ी और उनके बेटे की वजह से, और वो खुद उस कॉन्स्परेसी में मुलविस है,
और पत्रकार का काम तो सवाल पूछना है, आपको सवाल पसंद नहीं आया तो नो कमेंट बोलते हैं, मगर रोक कर उससे बदतमीजी करना, उसको बुरा भला कहना, उसको धमकी देना, ये इनका एक माइंडसेट है। ये बताता है कि ये सच्चाई से डरते हैं और ये सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, मगर जमहूरियत में ना पत्रकार खामोश बैठेगी ना जनता खामोश बैठेगी, उनको जवाब देना है। और वो एक्सपोज हो चुके हैं इन्वेस्टिगेशन की ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद कि पूरी कॉन्स्पिरेसी उन्हीं के सामने, उन्हीं के घर में हुई, उन्हीं की गाड़ी। देश के अन्नदाताओं को जब इनकी गाड़ी ने रौंदा था तब सारा देश कह रहा था कि ये जानबूझ के किया गया व्यवहार है, उस समय सरकार नहीं मानी। आज एसआईटी ने रिपोर्ट दी है कि ये जानबूझ के सोच समझी प्लानिंग थी किसानों के ऊपर गाड़ी चलाना। और सरकार का घमंड देखिए, आज तक वो मंत्री बरकरार है, और मंत्री साहब का घमंड देखिए, पत्रकारों से दुर्व्यवहार करते हैं, उनके मोबाइल को छीनने का प्रयास करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तुरंत प्रधानमंत्री जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए और देश की जनता से इनके कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। बदतमीजी की हदें पार कर चुके हैं, एक तो चोरी की उसमें सीना जोरी हो रही है, डेजिग्नेशन की बजाय पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितने ये भयमुक्त हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है सत्ता का गुरूर है और साथ में केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो उनको बचाने में लगी है और उनको संरक्षण देने में लगी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानती हूँ कि इस माध्यम से आप लोग भी, सारे पत्रकार भी अपनी आवाज उठाएंगे और इनको माफी मांगने के लिए और उनको स्टेप डाउन करने के लिए मजबूर करेंगे। तो किस तरीके से पत्रकार के साथ अभद्रता की गई, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार मंत्री जी के द्वारा किया गया, उसको लेकर मंत्री की अभद्रता पर एबीपी न्यूज के ये बड़े सवाल, गृह राज्य मंत्री की अभद्रता पर आखिर न्याय किससे मांगे, मंत्री टेनी ने रिपोर्टर का मुंह बंद करने की कोशिश क्यों की थी, मीडिया का काम सवाल पूछना, मंत्री जी आखिर क्यों भड़के, ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, बेटे पर मर्डर केस, मंत्री टेनी कब देंगे इस्तीफा, टेनी मंत्री रहे तो क्या बेटे पर केस प्रभावित नहीं होगा, गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।